ये हैं जी मेरी सबसे बड़ी सिस्टर माशाल्लाह, कैसी हैं? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है माशाल्लाह जी। और जो बड़ी बड़ी है वो इधर खड़ी थी, वो चली गई ये दूसरे नंबर पे। और ये अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं जी। इसको भी तकरीबन आप जानते ही होंगे, इसको शायद कम जानते होंगे, पर ये भी सिस्टर है, ये भी सिस्टर है। और ये रही जी मेरी मिनी सी, लिटिल सी, गुड़िया सी, वीआईपी सी। कैसी है? ठीक है, ठीक है माँ, जरूर कराए। ठीक है, माशाल्लाह जी गाड़ी जो है ना वो आ गई है, और अब्बू अम्मी जो है ना वो रवाना हो रहे हैं, भाई लोग भी रवाना हो रहे हैं। आपने दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह पाक इनका सफर आसान फरमाए। ये वापस लेके जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, जहां भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे, रमन सुकून के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, रमन सुकून के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। आज का मेरा व्लॉग है दूसरा, 12 व्लॉग है ये नाइट वाला जो आप देख रहे हैं। तकरीबन इसमें हम रवानगी भी होगी, मतलब अबू अम्मी जान भी जाएंगे, अभी खैरात का जो सिस्टम बनाया हुआ है वो भी चल के देखते हैं। पहले बहुत ज़्यादा रश था, हर तरफ से कैमरा वगैरह वगैरह ऐसे सिस्टम कुछ बना हुआ था, लेकिन अभी कुछ माहौल हल्का हो गया, तो अभी चलते हैं उधर और वीडियोज़ वगैरह भी बनाएंगे साथ में थोड़ी थोड़ी करके, और साथ में खाना वगैरह भी खाएंगे, जो भी होगा वो खाएंगे। आपने खाना तो आ जाओ, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, अगर वहाँ नहीं होगा तो फिर यहाँ मेरे घर में आ जाएगा, मैं खिला दूंगा इंशाल्लाह, तो आपने ज़रूर आना है। अभी चलते हैं सीधा उधर, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले फिर वीडियो की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। तो प्यारे व्यूअर, हमारे आने तक खैरात तो वैसे कुछ ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमें दोबारा से मिल गई है, ये देखें। और ये खाना है, ये कुछ माहौल था जी आज का, यहाँ पर हम लेट हो गए इसलिए लेट मिली है। तो प्यारे व्यूअर, फैनली खाना वगैरह खा के वापस रिटर्न हो चुका हूँ, मैं अपने घर में पहुँच चुका हूँ, और अभी मेरा काम हो रहा था दूसरे मोबाइल पे, ये पड़ा है, तो इधर काम मैं वैसे कर भी रहा था, और अभी फिर स्टार्ट लेते हैं वो काम वगैरह करते हैं, तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह उनके अब तैयारियाँ वगैरह होंगी, रवानगी होगी इंशाल्लाह। तो आपने साथ साथ रहना है, हमने भी जाना है साथ साथ, अल्लाह पाक उनका सफ़र आसान फरमाए, और मज़ीद वीडियो आगे हो गया। ओके हो गया प्यारे व्यूअर, आज अल्हम्दुलिल्लाह घर में बड़ी रौनक लगी हुई है, अल्लाह पाक के फजल करम से। यूँ समझ लें कि थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मेहमान माशाल्लाह बड़े खुश होके आते हैं, ये होता है बंदे का इखलाक, प्यार, मोहब्बत। और अभी दो मेहमान ना इधर से बाइक लेके ना चोरी चोरी भाग रहे थे, फिर मैंने रास्ते में पकड़ लिया, उनको बोतल थमा दी, अभी वो जा रहे हैं। ओ सामने देखें, ये मेरे घर में इंटर होंगे, ये जा रहे हैं जी। और मैंने कहा ऐसे कोई नहीं जा सकता, किस्मत से ऐसे जो बनता है ना माहौल, किस्मत से बनता है, हर बार नहीं बनता, इसी वजह से ना फिर अभी चलते हैं और देखते हैं मेहमानों की क्या पोजीशन है और क्या क्या उन्हें फराहम किया जा रहा है। तो प्यारे व्यूअर, फैनली सारे काम सर अंजाम देने के बाद अभी सारे लोग जो है ना रेस्ट में, और अभी जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी वाले के पास, वहाँ से लेनी है सब्ज़ी, क्योंकि आ रहे हैं मेहमान। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको पहले व्लॉग में बोला है कि दो ऑप्शन चलते हैं, चिकन या फिर चावल, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि आप चिकन अभी खाया है, चावल भी रात खाए थे, इसी वजह से आप कोई सब्ज़ी बना लें। तो आज हम सब्ज़ी बनाएंगे, मेहमान नाइट में इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो आपने साथ साथ रहना है, हमने अभी सफ़र भी करना है, अम्मी अबू को इंशाल्लाह रवाना भी करना है। ओके हो गया, बेस्ट हो गया, अभी चलते हैं। टाइम जो है ना 4:49 हो चुके हैं, 7 बजे निकलना है भाई उन्हें। फैनली प्यारे व्यूअर पहुंच गया सब्जी वाले के पास, ये देखें माशाल्लाह से सब्जी वगैरह सारी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, तबीयत सेहत मज़े हैं। अभी जो है ना ये देखें, ये डिसाइड करके मैं आया था घर से कि कद्दू शरीफ लूँगा या मैं लूँगा तूरी या मैं लूँगा गोभी, लेकिन अभी माइंड बन रहा है कि कद्दू शरीफ ही ले लेते हैं, क्योंकि ये सही बनता है। ओके हो गया, ठंडा भी पड़ता है, चिकन वगैरह खाया ना तो ये ठंडा कर देगा इंशाल्लाह, ऐसे होगा ना जी? हाँ जी, ओके डिसाइड कर लें, बताता हूँ। तो फैनली प्यारे व्यूअर, कद्दू शरीफ जो है ना हमने ले लिया है, ये देखें ये सब्ज़ी डिसाइड हो गई है, जैसे कि मैंने कहा बोला है कि ठंडी पड़ती है ना तो ये फिर सही रहेगा यार, इसमें मसाला भी ऐड कर दो 50 का, ठीक हो गया माशाल्लाह जी। असर की अजाना भी हो रही है, थैंक यू भाई। ओके जी, अभी चलते हैं, सब्जी ले ली है, अपनी मस्जिद में भी अजान तकरीबन होने वाली है। फैनली पहुंच गए हैं किराना शॉप पे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है। एक दूध का डब्बा, पत्ती, और साथ में रविवार फैनली सामान हमने ले लिया है, और इधर देखें, खैर वाह कर रहे हो, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, तबीयत सी है, नियत बिल्कुल ठीक है। किधर गए थे? ये इधर गया था दुकान पर, काम था थोड़ा सा, हो गया
माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छी बात होती है अगर एक बंदा जो काम सोच के जाए ना और वो हो जाए, बड़ी अच्छी बात होती है ना। बिल्कुल हाँ, अगर काम ना हो तो फिर मायूसी, ऐसे बुखार, नजला, जुकाम वगैरह ऐसे हो जाता है, ऐसे ना। हाँ जी, ओके जी। अरे भाई, अभी देखे माहौल कुछ कुछ बिल्कुल बल्कि बिल्कुल तकरीबन सेट हो चुका है। पहले बहुत ज्यादा शोर था क्योंकि मेहमान आए हुए थे ना, तो छोटे बच्चे, ऐसे आवाज वगैरह वगैरह, तो अम्मी जान से मुलाकात नहीं हो सकी मेरे। अभी भी थोड़ा थोड़ा है शोर, लेकिन अभी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, माशाल्लाह, खुशी हो रही है? कुछ और करा है इंशाल्लाह, सारी तो दुआ है। मैं तो अजय मेरे को थोड़ी टेंशन थे करिए, अभी ये पूरे त्रै हफ्ते ना किने देखा चलो, लेकिन वो मजा नहीं आता ना जरा फेस टू फेस होता है। चलो सही, अल्लाह पाक पर उमरा कबूल करे इंशाल्लाह वाला। जिस टाइम निकलो वाला मेरे को साथ ही बाय, जब पता लगता कि नहीं चुप कितने वाला सारे वेन बै, ठीक है, पता लगता। अभी प्यारा बीबर खैरात थी ना, अभी खैरात थी, मुझे पता ही नहीं है, इधर खैरात हो गई, चल गई, माहौल बन गया, मुझे पता भी नहीं है। चलो खैर प्यारे विवर, अभी अम्मी जान रहे खान, लेकिन दुआ वगैरह मैं तो नहीं हो ना। चलो सही है प्यारे विवर, फिर बात होगी इंशाल्लाह, अभी अम्मी जान तैयारी वगैरह में लगी होंगी, ऐसे ना। हाँ जी, ओके जी। अच्छा तो प्यारे विवर, तैयारी आस्ता आस्ता जो है ना हमारी बनना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें दो बच्चे जो है ना अभी ये पहुंच चुके हैं और सिलेंडर मैंने लगा दिया है। अभी जाना है अहमद भाई के पास, उसको बोलना है कि गाड़ी को थोड़ा एडजस्टमेंट करेगा तो हम ये रिक्शा निकाल के ले जाएंगे। इसका रीज़न बताऊँ आपको इतनी जल्दी मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 7 बजे हमने निकलना है, सवारियाँ हैं मेरे पास जो पहुँचानी है मैंने स्टेशन पर। तो इसका मसला ये है कि 7 बजे हो सकता है कि सिलेंडर वाली जो शॉप्स हैं वो बंद हो जाएं, इसलिए टाइम और टाइम से ना इसमें गैस डलवा लूँगा ताकि इजीली हम सिटी जाकर वापसी आ सकें। ओके हो गया, अभी चलते हैं फिर। हाँ चले, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे व्यूअर, सिलेंडर वाली शॉप पे पहुँच चुके हैं, लेकिन वो भाई नहीं है जो सिलेंडर भर के हमें देगा, वो कहीं पर गया हुआ है, तो उसका वेट करते हैं, वो जैसे आता है तो फिर हम गैस भरा के चले जाएंगे। सिलेंडर वाले का जो है ना कॉल की है, वो नंबर ऊपर लिखा पड़ा था तो कॉल मिलाई है, उसने बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब देखते हैं कि 5 मिनट, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि मैं 5 मिनट में आया, बस मैं 5 मिनट में आया, वही 5 मिनट देखते हैं कितना हो जाता है। प्यारे व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह भरा ली है गैस और मौसम को पैसे दे दिए हैं, वो उसको दे देगा, फिर सिलेंडर ले आएगा, अपन सिलेंडर लगाएंगे फिर आगे चलेंगे। ओके, सिलेंडर भरा लिया है, अब चलना है। हाँ जी, फैनली फैनली प्यारे व्यूअर, तकरीबन 6 बज गए हैं और इसकी मैंने ना सफाई वगैरह कर दी है, फिटिंग वटिंग कर दी है ताकि ये खूबसूरत लगे कुछ कुछ। वैसे भी माशाल्लाह खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है, बाकी का मुझे नहीं पता। इसके सेटिंग वेटिंग कर दी है, सारी ओके कर दी, अभी बस वेट कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ से ऑर्डर होगा इंशाल्लाह हम आगे निकल जाएंगे। ओके, माशाल्लाह प्यारे व्यूअर, ये देखें भाई जो है ना वो तैयार हो चुके हैं और अब्बू जान भी माशाल्लाह, ऐसे ही चेहरे की मुस्कुराहट जो है ना इनकी ऐसे ही कायम रहे, और जब वापसी आए तो इससे ज़्यादा मुस्कुराते हुए हैं। आमीन, ठीक है अबो इंशाल्लाह। फिर आपने ना अपनी सेहत का ख्याल रखना है उधर, ठीक है, जरा भी मसला हो तो भाई को बता देना है। मैं तो ठीक हूँ, बस सेहत कितना बोले सुन। जिनके पास जा रहे हैं ना सेहत उनके हवाले है, मतलब हमारा ख्याल जो है ना हम जिसके दर पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेहत का ख्याल उन्होंने रखना है। हम क्या करेंगे तो कहेंगे या अल्लाह से तेरे मेहमान है, रोजे रसूलुल्लाह पे जाएंगे तो कहेंगे यार रसूलुल्लाह सब तेरे मेहमान है। माशाल्लाह बिल्कुल, इबादत करने वाला, बेशक बेशक। प्यारे व्यूअर, माशाल्लाह से बस टाइम का इंतजार हो रहा है, तैयारियां जो है ना कंप्लीट हो चुकी हैं जी। माशाल्लाह जी, तो तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, आपने दुआ जरूर करनी है, मजीद जाएंगे फिर तो वो आपको जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। प्यारे व्यूअर, अभी जो है ना हम रवाना हो रहे हैं अल्लाह पाक के फजल और करम से, क्योंकि मेरी सवारी कुछ लेट है, थोड़ी देर में पहुंचेगी, तो अभी हम रवाना हो रहे हैं। मैं इसकी सेटिंग मेटिंग मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब चलते हैं, सलफ लगाते हैं और चलते हैं फिर। ओके प्यारे व्यूअर, पहले पहले ये देखें माशाल्लाह से गाड़ियाँ जो है ना वो लग गई हैं सारी सेटिंग के साथ, और अभी हम रवाना होने वाले हैं, फसलें भी हो रही हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे व्यूअर, पहुँच गए हैं स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर हम पहुँच गए, लेकिन अब्बू जान वाले अभी तक नहीं पहुँचे, हमारा रिक्शा था, हम जल्दी निकल आए हैं। और ये अभी आई हुई हो? वाह जी वाह, आपने साथ जाना है क्या रेलगाड़ी के ऊपर छत पर? अच्छा, और वकार अहमद भी साथ है माशाल्लाह से? नहीं,
और गुलाम अब्बास भाई भी हैं और सईद भाई भी हैं और साथ में अफजल भाई भी हैं। माशाल्लाह किधर खड़ा कर दिया वो, मैंने लगा दिया है ना लाइन में टोकन वगैरह पे ना, ऐसे खड़ा नहीं कर सकता था ना। तो प्यारा व्यूअर अभी कॉल करते हैं भाई को, पूछते हैं वो कहाँ पर हैं और फिर और उस हिसाब से ना हम यहाँ पर स्टे करेंगे। ठीक है, अहमद भाई वालों को कॉल की है, वो पहुँच गए हैं, तकरीबन हाफ किलोमीटर का सफ़र रह गया उनका और जैसे ही पहुँचते हैं फिर रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। अबू जान वाले तकरीबन पहुँचने वाले हैं और हमने सोचा कि वहाँ पर जाते हैं, ये सीढ़ियों वाला सफ़र भी हमें बहुत है। ये देखें अभी चढ़ रहे हैं, फिर जो है ना हमने नीचे उतरना है, वो भी सफ़र है हमारा। आ जाएँ भाई आ जाएँ, माशाल्लाह अबू जान वाले आने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं, तो हमने सोचा रिसीव कर लें उन्हें। ये सीढ़ियाँ जी, अफजल भाई माशाल्लाह एक्टिव हैं, सभी स्पीड जा रहे हैं, हम ठहरे स्लो बंदे ऐसे, स्लोमो 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 स्लोमो। ओके जी पहुंच गए हैं, अभी चलते हैं। ओके यार व्यूअर फैमिली फैमिली ये देखें माशाल्लाह असगर भाई, असलम भाई और हाँ भी जान ये पहुंच गए हैं। दूसरे किधर रह गए? दूसरे पता नहीं पीछे। अच्छा ये भी साथ में जा रही है, माशाल्लाह सही है ना, छोटा आया अभी, ये बच्चा है ना, माशाल्लाह से। अकरम भाई भी आ गए हैं, वाह जी वाह, अकरम भाई भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान फरमाए। आमीन। अभी जो है ना इधर देखें और भी आया, मेरा एक मसाज आवाज़ लगा रहा था, उसे ज़रा ढूंढ लूँ कि वो किधर है। ओहो ये रहा। अस्सलाम वालेकुम, देखो आप जा रहे हो, उम्मीद है, देखते हैं। उम्मीद तो सारे कहे कैसे हैं? अच्छा आपका है मूड है जाने का? मेरा रिक्शा ले जाना, मेरा मूड बन जाए क्या पता, मैं चला जाऊं। ये सब का मूड चेंज होएगा इस टाइम अभी। नहीं आप चलें, रक्षा ले जाएंगे यहाँ से, ड्रॉइंग चला लेता है। चलो खैर वैसे मेरा इरादा नहीं है, आप बता रहे थे ना कि अजहर भाई को बोला है, हो सकता है कि आप चले जाएं उनके साथ, तो खैर देखते हैं, नहीं तो फिर मेरा रिक्शा वो है वो सामने खड़ा है। ठीक है देखा, हाँ ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये पहुंच गए, बाकी सिर्फ अपू जान वाले नहीं आए, उनका वेट हो रहा है। माशाल्लाह जी अजहर भाई भी पहुँच गए हैं, इधर आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपका ये सफ़र मुबारक जो है ना। क्या अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मजे हैं। तू भी जा रहे क्या? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अरे एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इधर आओ इधर 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 आओ जल्दी आओ। ये मेरा मसाद है माशाल्लाह जी, ये भी जा रहा है। हाँ जी टिकट मिल गई, टिकट ले आया हूँ मैं। और खैर जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद माशाल्लाह। अब खुश हो? बहुत खुश। पप्पी दो फिर यार मुझे। अच्छा तुझे। ओके जी माशाल्लाह जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे व्यूअर हम भाई लोग पहुंच गए हैं अबू जान वाले, तो हम भी पहुंच गए हैं और सामान वगैरह उठाते हैं, और टाइम भी पूरा पूरा तकरीबन गाड़ी का हो चुका है, तो ये रही जी गाड़ी माशाल्लाह से, माशाल्लाह पहुंच गए भाई। हाँ जी चले सामान वगैरह उठवाएं। और ठीक है जी ठीक है, प्यारे व्यूअर फैमिली सामान जो है ना हमने उतार लिया है, ये देखें, और अभी लेकर चलते हैं। चले अहमद भाई आगे, चले चले आगे, जो चलो जी आगे चलते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से आ जाओ, अभी जो है ना आ रहे हैं सारे लोग माशाल्लाह से, और आगे आगे हम चल रहे हैं। हो गया एक गाड़ी जो है ना वो आ चुकी है माशाल्लाह, ये देखें, लेकिन ये अबू जान वालों की नहीं है, ये तकरीबन एक घंटे बाद जो है ना ट्रेन लेट हो गई, एक घंटे बाद आएगी। अभी जो है ना ये किसी और की है, जिनकी है वो जा रहे हैं बस। एक गाड़ी जो है ना वो रवाना हो चुकी है, ये देखें जा रही है, अभी दूसरी जो आएगी उस पर बैठेंगे फिर सारे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी वो गाड़ी जो तो चली गई, बाकी माशाल्लाह ये लोग सारे इधर देखे मौजूद हैं। अम्मी जान ने भी हसन को उठाया हुआ है, नहीं है, और बाकी माशाल्लाह से ये भी है। तो अभी बस तकरीबन 40 मिनट के अंदर अंदर ना गाड़ी पहुंच जाएगी, फिर रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार अभी बस स्टे ले रहे हैं हल्का सा, ये देखें अबू जान को बिठा दिया है माशाल्लाह से, और मेरे साथ वकार भी बैठा है। हाँ वकार नींद तो नहीं आ रही?
नींद नहीं आ रही है जी, इसे बड़ा ही तेज है, रिक्शे में सो गया था, अभी इसको नींद नहीं आ रही है। बाकी लोग जो है ना उधर उस साइड पे हैं, इधर मैंने सोचा अब को बिठा देते हैं। एक और गाड़ी आई थी जो कि ये जा रही है, इसके बाद जो आने वाली है वो हमारी है, और हमने तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बनाई हुई है। वकार अहमद है, अबू जान भी हैं, अम्मी जान भी हैं, माशाल्लाह। अभी जो है ना हम रवाना, अगली नेक्स्ट आने वाली गाड़ी वो हमारी होगी इंशाल्लाह। ठीक है आवाज रोड कराए, ठीक है माशाल्लाह जी, गाड़ी जो है ना वो आ गई है, और अबू अम्मी जो है ना वो रवाना हो रहे हैं, भाई लोग भी रवाना हो रहे हैं। आपने दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह पाक इनका सफर आसान फरमाए। ये वापस लेके जा रहा है, आपने जरूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनका सफर आसान फरमाए। जैसे हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते वापस आए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। बेस्ट ऑफ लक। फैमिली फैमिली प्यारे व्यूअर, गाड़ी जो है ना वो आ चुकी है, और अबू जान अम्मी जान ठीक है। इरफान भाई ओके ओके जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चलूंगा फिर नेक्स्ट टाइम, मैं यहाँ पे बैठूंगा यहाँ पे जी सामने। चले गए हैं जी वापस, हम जो है ना अभी रिटर्न होंगे। ये सारे लोग जा चुके हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक इनका सफ़र आसान फरमाया। आप सब ने भी दुआ ज़रूर करनी है, ठीक हो गया। बस ये 5 मिनट स्टे करेगी गाड़ी, और उसके बाद रवाना हो जाएंगे। हाँ जी, अब हम क्या करें, चलें एक मिनट वो एक दो मिनट वो रवाना हो जाए यहाँ से। हाँ, इकट्ठा तो होने दें, मेरी जो सवारी हैं वो तो आ जाएँ, अच्छा, फिर एक साथ चलेंगे। सवारी ने गिनती करो। हाँ जी इंशाल्लाह। चलो जी, अभी फिर बाद में बात होती है घर चल के, अभी जो है ना बस यहीं पे थोड़ा एंड कर रहे हैं। ठीक है आज़र भाई, माशाल्लाह जी यहाँ पर जो है ना इनका वो डिब्बा बना हुआ है, जो यहाँ पर से वो जा रहे हैं माशाल्लाह से। सीधा सीधा 5 मिनट का स्टे है, उसके बाद चले जाएंगे। तो प्यारे व्यूअर, आप सबके सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैं मेरी सिस्टर्स, और एक क्योंकि वो वीडियो में नहीं आती इसलिए मैंने ना उसको थंबनेल में लगाया है, वो भी बरल करके। और अभी जो है ना ये हैं जी मेरी सबसे बड़ी सिस्टर माशाल्लाह। कैसी हैं, ठीक हैं तबीयत से? ठीक है माशाल्लाह जी। और जो बड़ी बड़ी है वो इधर खड़ी थी, वो चली गई, ये दूसरे नंबर पर। और ये अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं। इसको भी तकरीबन आप जानते ही होंगे, इसको शायद कम जानते होंगे, पर ये भी सिस्टर है, ये भी सिस्टर है। और ये रही जी मेरी मिनी सी, लिटिल सी, गुड़िया सी, वीआईपी सी। कैसी है? ठीक है तबीयत से? ठीक है माशाल्लाह से। और ये जी अभी अभी तशरीफ लाई है यूट्यूब पे, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक है तबीयत से? ठीक है माशाल्लाह से। तो प्यारे व्यूअर, ये है मेरी सिस्टर 5 जो है वो हमारी जो रियल सिस्टर हैं, ये 5 हैं, और इसके बाद बाकी जो हैं वो हर किसी के अपने माइंड के हिसाब से है। लेकिन ये 4 सिस्टर पूरी हो गई, एक सुल्तान की अम्मी हो गई। ठीक हो गया? वालेकुम सलाम। ओके बाय बोल दो। प्यारे व्यूअर, आपने जैसा कि देखा, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वो मसला जो भी था, जो भी सवाल थे, मुझे उम्मीद है मैंने क्लियर क्लियर करके बता दिया है कि ये जो है ना हमारे हकीकी जो रिश्ते हैं वो यूं समझ लें कि बहुत सारे कमेंट मुझे आते थे कि कौन सी आपकी सिस्टर्स हैं, कौन सी नहीं हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ना बाकी जितने भी हैं इन 5 के अलावा, बाकी जितने भी हैं वो क्या बोलते हैं मसनूई रिश्ते हैं, कोई बहन है, कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, जिस तरह के भाई, बाकी सब सिस्टम वैसा है। वैसे भी हमारी आदत है हम सबको सिस्टर ही बोलते हैं, क्योंकि सोचना भी यही चाहिए इंसान को, खुद अगर इज्जतदार होगा तो दूसरों को वह इज्जत देगा। सही हो गया? तो तमाम के तमाम देखने वाले जितने भी हैं, मेरी वाइटी फैमिली है, सबको आज पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऐसे अजीब सा मचा हुआ था कि यार कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है। तो मैंने सोचा कि आज आपको बता दूँ, मैंने वादा किया था पहली वीडियो में, इसलिए आपको मैंने क्लियर क्लियर बता दिया। अब इसके बाद जो रीज़न होगा, जो रिज़ल्ट आएंगे, वो बात का मसला है इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी जो है ना बस ये हैं हम 5 भाई,
और 5 सिस्टर्स। ओके हो गया। इसके अलावा जो भी नज़र आए आपको, जो कुछ भी नज़र आए, जो कुछ जो भी बोले, वो एक अलग बात है। वो हर किसी का अपना मियार है, अपने इज्जत है, अपने ताल्लुकात होते हैं, जहाँ तक भी चला जाए। वैसे भी मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो मुझसे बात भी करती हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, हर जगह पे। तो इस तरह से मतलब वो हो गए दूसरे रिश्ते, और रियल जो रिश्ते हैं हमारे ये थे, और ये है मेरी थी 5 सिस्टर्स। ओके हो गया, बेस्ट हो गया, ज़बरदस्त हो गया।